Hello everyone, so welcome to my channel Ms. Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the structure of a stamen and the development of the anther. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं एक सीरीज़ में यहाँ पे नोट्स अपलोड करूँगी, तो वही चीज़ मैं इसके बाद करने वाली हूँ. और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए सच में बहुत हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ इसको थोड़ा लव और सपोर्ट दिखाया कीजिए. आप लोग शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और लाइक तो अब कोई नहीं करता है. यू नो, वीडियो का बेनिफिट सब ले लेते हैं, लेकिन उसको जो एक प्रेज़ मिलना चाहिए वो प्रेज़ आप लोग नहीं देते हो. बिकॉज इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि वो आप लोगों के लिए सच में हेल्पफुल रही है. तो अगर हेल्पफुल रही है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए. इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अपने चैनल को कंटिन्यू रखूँ और आप लोगों की इस तरीके से हेल्प करती रहूँ. राइट, अगर आप लाइक करते तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता. तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सबसे पहले हम लोग स्टेमन के बारे में बोलते हैं. तो स्टेमन का जो हमें कंबाइनली वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं वो होता है एंड्रोशियम. तो एंड्रोशियम के बेसिकली टू पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है. जो एंथर होता है वो फर्टाइल पार्ट होता है, और जो स्टेमन जो फिलामेंट होता है वो कैसा होता है, स्टराइल पार्ट होता है. एंथर को हम दूसरे नेम से बुलाते हैं जो कि होता है माइक्रोस्पोरम. और फिलामेंट और एंथर ये दोनों ही क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड रहते हैं. तो अगर आपको स्टेमन का स्ट्रक्चर लिखने को आता है तो सबसे पहले आप ये चीज समझाओ कि स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है. एंथर जो होता है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, ये जो फिलामेंट है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है. ये दोनों जो है किससे कनेक्टेड है, दे बोथ आर कनेक्टेड बाय मीन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. राइट, अब इसके बाद से हम डिस्क्राइब करते हैं एंथर को. तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ एंथर के बारे में बताऊंगी, इसके आगे की डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी. राइट, तो एंथर जो होता है ये टर्मिनली बाइलोब स्ट्रक्चर है विथ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया. एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है और बाइलोब यानी कि दो लोब यहां पे प्रेजेंट है. और क्या होता है कि एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं. राइट, तो फोर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं और ये दो लोब वाली कंडीशन देखने को मिलती है. तो टर्मिनली बाइलोब स्ट्रक्चर विथ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, 1, 2, 3 and 4, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया और ये दो लोब यहां पे प्रेजेंट है. जो यंग एंथर होता है इट इज होमोजिनस मास ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल्स सराउंडेड बाय एन एपिडर्मिस. राइट, जो यंग एंथर होता है वो क्या होता है, वो होमोजिनस मास होता है मेरिस्टमैटिक सेल का, दैट इज सराउंडेड बाय एन एपिडर्मिस. राइट, तो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर, किसी भी चीज का डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि वो यंग स्टेज से कैसे मैच्योर स्टेज पे आता है. राइट, तो यहाँ पे एंथर को आप इस तरीके से डिस्क्राइब करो. आप लिखो कि जो यंग एंथर होता है वो होमोजिनस मास ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल से बना होता है, और इन्हीं होमोजिनस मास ऑफ जो मेरिस्टमैटिक सेल्स होती है इसमें कुछ इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन होता है कि ये एक डिफ्रेंसिएटेड एंथर बनाता है, जो कि जिसको हम लोग मैच्योर एंथर भी बोलते हैं. राइट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं द प्रोसीजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंथर. नाउ इन द डेवलपमेंट ऑफ एंथर सबसे पहले ये लिखा जाता है कि सम ऑफ द हाइपोडर्मल सेल ऑफ द ईच लोब बिकम लार्ज डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. दे गेट अरेंज इन प्लेट और क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर शेप वर्टिकल रो विच इज कॉल्ड एज आर्किस्पोरियम. राइट, तो ये इसका सबसे इनिशियल लाइन होती है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंथर कि हमारे पास कुछ हाइपोडर्मल सेल्स होती है हर एक लोब में. वो जो हाइपोडर्मल सेल होती है वो अपने साइटोप्लाज्म को डेंस कर लेती है और उनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है. उसके बाद से वो प्लेट या फिर क्रिसेंट शेप के एक वर्टिकल रो में अरेंज हो जाते हैं जिसको बोलते हैं आर्किस्पोरियम. ठीक है, तो यहां तक बेसिक हो गया. इस आर्किस्पोरियम की कुछ सेल होती है जिसको हम लोग आर्किस्पोरियल सेल या फिर आर्किस्पोरियल इनिशियल बोलते हैं. इसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया है. आप चाहो तो इसको थ्योरेटिकल वे पे लिख सकते हो जो कि बुक्स में इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है जिससे आई थिंक आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी. और अगर कोई फ्लो चार्ट अवेलेबल है तो उसको आप लोग थ्योरेटिकल वे पे आराम से जो है कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक, देखिए ये पूरी प्रोसेस है. यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं यही चीज मैच्योर एंथर में प्रेजेंट रहती है. ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट कैसे करते हैं कि हमने बोला एक क्रिसेंट या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग आर्किस्पोरियल आर्किस्पोरियम बोलते हैं. वो आर्किस्पोरियम की जो सेल्स होती है उसको आर्किस्पोरियल सेल या फिर आर्किस्पोरियल इनिशियल बोलते हैं. अब मैंने बोला कि यंग एंथर में अनडिफ्रेंशिएटेड मास प्रेजेंट रहता है और एपिडर्मिस भी प्रेजेंट रहती है. आपको पता होना चाहिए कि मैच्योर एंथर में चार लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टेपिटम और मिडिल लेयर. एपिडर्मिस तो पहले से प्रेजेंट है तो इसको हमें बनाने में ज्यादा ध्यान नहीं देना है. हमने ध्यान देना है बनाने में माइक्रोस्पोर टेट्राड को, टेपिटम को, एंडोथीसियम और एपिडर्मिस को. तो ये कैसे बनेगी आप इस पर्टिकुलर प्रोचार से पता कर सकते हो. ठीक है, तो आर्किस्पोरियल सेल या इनिशियल में सबसे पहले पी डिवीजन, पी मतलब होता है पेरिक्लिनल डिवीजन होता है. तो ये जो पेरिक्लिनल डिवीजन है इसके बाद से पी फॉर पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है तो उससे क्या बनेगी, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरी तरफ बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल. अभी आप इस पार्ट को पूरे तरीके से इग्नोर करो. ठीक है, इसका डेवलपमेंट हम लोग थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पहले हम इस चीज को कवर करते हैं कि वॉल फॉर्मेशन कैसे होता है. अब प्राइमरी के बाद जब प्राइमरी डिवाइड करता है तो उससे क्या बनता है, सेकेंडरी बनता है. तो ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है इससे बनेंगे दो सेकेंडरी पेराइटल सेल. जो बाहर की तरफ है उसको आप आउटर सेकेंडरी पेराइटल सेल बोलो, जो अंदर की तरफ है उसको आप इनर सेकेंडरी पेराइटल सेल बोलो. ठीक है, तो यहां तक की प्रोसेस सिंपल थी. जो आर्किस्पोरियल सेल या फिर आर्किस्पोरियल इनिशियल थे उनमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, तो वो दो टाइप की चीजें बनाती है, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल.
फिर ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है इसमें फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, तो ये सेकेंडरी पैराइटल सेल बनाती है, आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल एंड द इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल। तो ये जो आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल है इसमें फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, तो ये बनाती है आउटर और इनर लेयर। आउटर वाले को हम बोलते हैं एंडोथीसियम, तो एंडोथीसियम बन गई। अब तक दो लेयर, एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट थी और एंडोथीसियम किसने बनाई, आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल की आउटर वाली लेयर ने क्या बनाई, एंडोथीसियम बनाई। ठीक है, तो फिर इनर साइड को क्या होता है, ये अपर मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करता है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? तो सेकेंडरी पैराइटल सेल जो था, आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, तो उसने आउटर साइड पे एंडोथीसियम बनाया और इनर साइड पे अपर मिडिल लेयर का फॉर्मेशन किया। ठीक, इसी के अल्टरनेट जो इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल था उसमें भी पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और वो आउटर साइड पे बनाता है लोअर मिडिल लेयर, और बाहर वाली साइड पे क्या बनाता है, इनर वाली साइड पे बनाता है टेपिटम का फॉर्मेशन करता है। राइट, तो ये चीज समझ में आ गई। तो अभी तक हमारी तीन लेयर हो गई, एपिडर्मिस जो कि पहले से प्रेजेंट थी, एंडोथीसियम जो कि आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल ने बनाया, टेपिटम जो कि इनर पैराइटल सेकेंडरी पैराइटल सेल ने बनाया, और इन्हीं दोनों पैराइटल सेल के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे अपर मिडिल लेयर और लोअर मिडिल लेयर आता है। ये जो अपर मिडिल लेयर और लोअर मिडिल लेयर होता है ये साथ में क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, और इनके अगेन एंड अगेन डिवीजन से क्या होता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। पे आप देख सकते हो कि मिडिल लेयर का फॉर्मेशन हो चुका है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब ये दोनों फिर अगेन एंड अगेन डिवाइड करती है और उससे मिडिल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि मैच्योर एंथर की चार लेयर यहाँ पे बन चुकी है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऊपर जब हमारी आर्किस्पोरियल सेल थी तो वो डिवाइड करके प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है, वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल मैच्योर एंथर में क्या चीजें बनाती है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनी थी इसमें एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं साथ में, इसके बाद से ये क्या बनाती है, और सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है। ठीक है, ये जो सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल थी फिर ये अगेन एंड अगेन क्या करते हैं, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती है। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो इसके बाद क्या बनता है, MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, जो कि डिप्लॉयड नेचर का होता है। इसमें फिर मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद क्या है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करेगा जो कि हैप्लॉयड नेचर के होंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब फोर माइक्रोस्पोर जो कि ग्रुप में प्रेजेंट होता है, बाद में जाके ये सबके सब क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। आप एक बार ये फिर से फ्लोचार्ट देखो, मैंने बोला कि आर्किस्पोरियल जो यहाँ पे सेल या फिर इनिशियल थी इसमें सबसे पहले पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, तो ये दो चीजें बनाती है, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, तो ये और सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है जिसमें माइटोटिक डिवीजन के बाद MMC बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, मियोसिस होता है, तो फिर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। और इसके बारे में कहेंगे तो जो प्राइमरी पैराइटल सेल है यहाँ पे पेरिक्लिनल डिवीजन होने के बाद ये आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल और इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल का फॉर्मेशन करता है। जो आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल होता है वो पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद आउटर एंडोथीसियम और इनर की साइड पे अपर मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करता है। राइट, और जो इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल होता है तो इट विल फॉर्म द लोअर मिडिल लेयर ऑन द आउटर साइड एंड द टेपिटम ऑन द इनर साइड। ठीक है, फिर जो लोअर मिडिल लेयर और लोअर अपर लेयर हो जाती है ये अगेन एंड अगेन डिवाइड करके थर्ड लेयर बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। तो यही एक मैच्योर एंथर का पार्ट होता है कि एक मैच्योर एंथर में माइक्रोस्पोर, टेपिटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और एपिडर्मिस प्रेजेंट रहती है। तो अगर एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एंथर, तो आप यही चीज बताओगे कि किस तरीके से क्या होता है, एक यंग एंथर से मैच्योर एंथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एंथर का वेल लेबल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फिर उसके आगे आने वाली वीडियो में, इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एंथर का वेल लेबल स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैंने बहुत वीडियो में आप देखा है कि आप लोग बेनिफिट पूरा ले लेते हो वीडियो का, लेकिन कभी लाइक शेयर नहीं करते हो, तो इस चीज से कि इससे मुझे काफी डीमोटिवेशन मिलती है। तो अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहूं, तो आपको मुझे सपोर्ट पूरी तरीके से करना पड़ेगा। राइट, तो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।